हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनियां जो कि उनके स्टॉक्स हमारे मार्केट में लिस्टेड है। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कुछ ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिनके ब्रांड्स शायद से आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे, आपके घर में भी पड़े रहेंगे, बट शायद से आप लोगों को पता नहीं होगा कि उनके कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब उनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसके कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हो, मतलब शेयर खरीद के। तो ऐसी कुछ ऐसी कंपनियां जिनके नाम अलग है एंड उनके शेयर के नाम अलग है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आते। तो ऐसे 30 के अराउंड कंपनियां मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने ही कंपनियां हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऐसे कौन सी कंपनियां जिनके ब्रांड बहुत बड़े बड़े हैं बट उनके नाम यूनिक है, आप लोगों को नहीं पता है, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहे तो वो ब्रांड पसंद होगा, वो कंपनी पसंद होगी, तो अभी आप जाके उस कंपनी के शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात बताना चाहूँगा कि जो आखिरी वाला जो कंपनी है, बहुत सारे लोगों को शायद से पता नहीं होगा कि ऐसा भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को देखने के साथ साथ। एंड अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी यूनिक टॉपिक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर वक्त मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। तो आप सभी लोग पता है हमारी कंट्री है इंडिया, एंड इंडिया में दो टाइप के कंपनीज होती है, एक होती है लिस्टेड एंड दूसरी होती है अनलिस्टेड। अभी अनलिस्टेड कंपनी मतलब जो कि बड़ी कंपनीज है, स्टॉक मार्केट में है नहीं, मतलब LIC तो आप लोगों ने सुना होगा, किधर है वो स्टॉक मार्केट में। ओला उबर सुना होगा, देखा होगा, सर्विसेज भी यूज़ करते होंगे, बट हमारे मार्केट में नहीं है, मतलब पब्लिक मार्केट में नहीं है, उन्होंने अपने आप को लिस्टेड नहीं करवाया। तो अगर हम लोग लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ NSE के ऊपर आप लोगों को 1500 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड मिलेंगी। तो इसमें इतनी सारी कंपनियां हैं कि शायद से आप लोगों को कुछ कंपनियां पता भी नहीं होगी, जिसके ब्रांड आप लोग यूज़ करते हैं और आपके दीवाने भी रहोगे। तो चलिए, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां यूनिक जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहली कंपनी हम लोग ओपन कर लेते, ताजमहल पैलेस होटल। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, आप सभी लोगों को पता है ताज होटल मुंबई का। यस दोस्तों, इसके भी शेयर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे। तो कैसे खरीदने का, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैंने कंपनी ओपन कर दी है। जो लाल एरो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का नाम, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, IHCL। अगर आप लोग गूगल भी सर्च करोगे, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गूगल सर्च करके दिखाया कि कैसे सर्च करने का, तो उसी कंपनी के शेयर्स भी आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जो कि फिलहाल 84 रुपीज़ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है, जानना है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, कंपनी के बारे में डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सो ताजमहल होटल जो इतना बड़ा होटल है उसमें आपको निवेश करना है तो आप चाहो तो इस कंपनी में भी निवेश कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली आप लोगों को उस कंपनी के शेयर में भी हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने निवेश करना है नहीं, वो आपका डिसीजन रहेगा, बट ऐसे यूनिक स्टॉक अभी मैं आपके सामने यहाँ पे लाने वाला हूँ। अभी सेकेंड कंपनी आपने ज़रूर देखा होगा, टाइड डिटर्जेंट, उसी के साथ साथ हेड एंड शोल्डर, ओरल बी, पैम्पर्स, विस्पर, एरियल, विक्स, पेंटीन, एम्बिप्योर, ये ज़रूर आप लोगों ने प्रोडक्ट सुने होंगे। इनके शेयर भी मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ नाम अलग है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सालों साल चलने वाले प्रोडक्ट्स है, कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड होते हैं, आप सेटिस्फाई हो, बट आपको पता नहीं है कि ये भी कंपनी मार्केट में, तो यस दोस्तों, ये भी कंपनी मार्केट में लाल निशान में कंपनी का नाम दिख जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGHH। यस दोस्तों, PGHH बहुत महंगा शेयर है, 10,000 के आसपास वाला शेयर है, बट यस, बहुत ही गजब की कंपनी है। आप इनके प्रोडक्ट भी देख सकते हो, यूजुअली कितने सारे यूज किए जाते हैं। सो डेफिनेटली ये भी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसमें फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हम लोग को ऐसे ही कलेक्ट
करने हैं। तो वाड़ीलाल आइसक्रीम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत ही एक पुरानी ऐड भी है कृति सेनन से रिलेटेड जो एक्ट्रेस है। तो वाड़ीलाल आइसक्रीम दोस्तों, यस इसके भी शेयर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप लोग चेक करोगे वाड़ीलाल आइसक्रीम शेयर प्राइस, तो आप लोगों को कंपनी का नाम मिल जाएगा वाड़ीलाल इंडस्ट्री, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, कंपनी करती क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब से शुरू हुई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, सब्सिडरीज कितनी, ये सारा डिटेल आप लोगों को वीडियो पॉज करके पढ़ने को मिल जाएगा। सो वाड़ीलाल आइसक्रीम आप लोगों ने ज़रूर टेस्ट भी किया होगा, कुछ लोगों की पसंदीदा ब्रांड भी होगी, तो आप लोग देख सकते हो, चाहो तो इस कंपनी में भी निवेश करके आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। तो महेश ट्यूटोरियल्स टीचिंग से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड बहुत बड़ा क्लास है, आप सभी लोग पता है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है इस कंपनी का। सो ये भी कंपनी का शेयर मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं एमटी एडुकेयर। यस दोस्तों एमटी एडुकेयर आप लोग देख सकते हैं, इस कंपनी का शेयर मतलब ही महेश ट्यूटोरियल में निवेश करने के बराबर है। 13 रुपये के आसपास शेयर देखने को मिल रहा है। मैं वापस कर रहा हूँ, ब्लाइंडली निवेश मत करना, स्टडी कर लेना, स्टेप्स फॉलो कर लेना। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले 7 स्टेप्स फॉलो करने होते तो फिर आप लोग कभी गलत जा ही नहीं सकते। सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत सारे रिटेल निवेशकों को यहाँ पे लॉस होने से वहाँ पे वो बच चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं टाटा सॉल्ट, उसी के साथ साथ स्टारबक्स की कॉफ़ी। यस दोस्तों अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स पसंद है, आप इसको कंज्यूम करते हैं, तो यस दोस्तों आपको चाहिए तो इन कंपनी में निवेश करने के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसका शेयर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, जो कि लगभग 350-350-400 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये है कंपनी का नाम। अगर आप चाहते हो टाटा सॉल्ट या फिर स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी में निवेश करने के लिए, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इसमें आप निवेश करोगे तो आपका निवेश वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसी के साथ साथ अभी नेक्स्ट कंपनी ओपन कर लेते, जो कि आप लोग देख रहे हैं जॉकी। यस दोस्तों आप लोगों ने गारमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, इनर गारमेंट्स, उसी के साथ साथ बहुत सारे आउटफिट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो जॉकी के भी आप लोगों के यहाँ पे शेयर्स आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलते हैं, शायद से आप इनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते होंगे, सेटिस्फाई भी होते रहेंगे। तो अगर आपको ये कंपनी लगती है लॉन्ग रेंज में अच्छी चलेगी, तो आपके सामने एक कंपनी जिसका नाम है पेज इंडस्ट्री। यस दोस्तों पेज इंडस्ट्रीज बहुत ही महंगा शेयर है, 18,500 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी भी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जिनके प्रोडक्ट आप लोग यूज़ भी करते हैं एंड मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जितना हम लोग दूर जाएंगे अभी आप लोगों को यूनिक यूनिक कंपनियां भी देखने को मिलने वाली है, शायद से अभी तक कंपनी बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं पेडिग्री डॉग फूड, आप सभी लोगों को पता है। सो डॉग फूड से रिलेटेड कोई कंपनी है तो यस दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है, आप लोग देख सकते हैं टेस्टी बाइट्स जो कि कंपनी है। अगर आप उसका शेयर सर्च करोगे जो कि 12,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी है कि अगर आप लोगों को डॉग फूड पेडिग्री, अगर आपको लगता है कि इसका ब्रांड बहुत आगे जाएगा, कंपटीशन कम है, तो ज़रूर आप इस कंपनी में भी निवेश कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सो N95 मास्क हैंड सैनिटाइज़र, आप सभी लोग पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर मास्क कौन सा है तो N95, कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रोटेक्शन के लिए इसका महत्व ज़्यादा बताया जाता है। तो इसमें अगर आपको निवेश करना है तो 3M इंडिया करके कंपनी है, इसमें अगर आप निवेश करोगे सो आपका निवेश यहाँ पे N95 मास्क तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यही कंपनी वो मास्क बनाती है। 18,000 से भी ज़्यादा का महंगा ये शेयर हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो कि हैंड सैनिटाइज़र भी बना लेता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं PPE किट्स। यस दोस्तों ड्यूरिंग द कोरोना अभी का लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है, PPE किट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड इसमें अगर आप लोगों को निवेश करना है PPE किट में, तो आप लोग देख सकते हैं अलोक इंडस्ट्री करके कंपनी है, जो कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.5 लाख से भी ज़्यादा PPE किट्स डेली बेसिस पे यहाँ पे बनाती है। शेयर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगे जा रहे, 36 रुपये के आसपास ये शेयर देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं। डुलक्स पेंट, यस दोस्तों आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा। तो ये डुलक्स पेंट अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो एक्जो नोबेल इंडिया, यस दोस्तों ये है शेयर का नाम, इसमें अगर आप निवेश करते हो तो डुलक्स इंडिया ये कंपनी के शेयर में भी आपने निवेश कियागा, ऐसा ही हो जाता है। वापस कह रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यूनिक कंपनियाँ आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। सो बिग बाज़ार, बिग बाज़ार में आपको निवेश करना चाहते हो तो बिग बाज़ार का शेयर ऐसा मिलेगा तो नहीं, बट आप फ्यूचर रिटेल ये कंपनी में अगर आप निवेश कर देते हो तो आपका निवेश बिग बाज़ार में हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन चल रही है रिलायंस एंड अमेजोन के बीच कि कौन इसको खरीदने वाला है, एंड इसीलिए अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो फ्यूचर रिटेल में निवेश करना मतलब बिग बाज़ार में निवेश करना ही हो जाता है। उसके बाद जोमैटो, नौकरी.com, जीवनसाथी.com, पॉलिसी बाजार, शिक्षा, 99acres.com, इन कंपनीज़ में आपको निवेश करना है तो आपको
यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा इन्फो एज कंपनी। यस दोस्तों, इन्फो एज इंडिया, इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो इनमें आप लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, लैक्मे। यस दोस्तों, लैक्मे इंडिया नाम तो सुना होगा। रेक्सोना, फेयर एंड लवली, एक्स का परफ्यूम, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, मैग्नम आइसक्रीम, ब्रू कॉफी, व्हील, डोमैक्स, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो आप लोगों को निवेश करना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल जैसी कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स के यहाँ पे बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। थोड़ा सा और आगे जाती है पतंजलि। यस दोस्तों, पतंजलि में अगर आपको निवेश करना है तो यहाँ पे आप लोगों को इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोगों को करना पड़ेगा निवेश रुचि सोया में। यस, रुचि सोया में अगर आप निवेश करते हो तो पतंजलि में ही निवेश किया ऐसा यहाँ पे माना जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि आयुर्वेद। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी अलग अलग कंपनीज आने वाली है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कमोडिटी मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट में कमोडिटी एक्सचेंज भी रहता है जिसको हम लोग MCX यहाँ पे देखते हैं, वही इसके भी स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। यस फ्रेंड्स, कमोडिटी एक्सचेंज के भी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आपने सिर्फ MCX शेयर प्राइस कर दिया तो आपके सामने ये शेयर आ जाएगा जो कि लगभग 1200 के आसपास देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसकी वेबसाइट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो कमोडिटी एक्सचेंज का भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप BSE शेयर प्राइस सर्च करोगे तो आप लोगों को लगभग 400 रुपये के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है तो सिर्फ NSE पे ही रह सकता है, खुद के एक्सचेंज पे तो नहीं रहेगा, वरना चीटिंग हो सकती है। तो सिमिलर वे ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी शेयर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 400 के आसपास है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, बिंगो, यिप्पी नूडल्स, डार्क फैंटेसी, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आशीर्वाद आटा, क्लासमेट नोटबुक्स, सनफीस्ट, ये कंपनियां पता है आप लोगों को। तो यस दोस्तों, इसमें अगर आप लोगों को निवेश करना है तो आप लोगों को निवेश करना पड़ेगा ITC, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इसमें आप लोग निवेश कर देते तो यही प्रोडक्ट में आप लोग निवेश कर रहे हो ऐसा हो जाएगा। उसी के साथ साथ जिलेट रेजर, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, यूज़ भी करते होंगे। सो डायरेक्टली आप लोगों को ये कंपनी मिल जाएगी जिसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। सो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं लगभग 4000 से 5000 के आसपास देखने को मिल रही है। तो थोड़ा अभी और आगे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो एकता कपूर बहुत ही अभी छाई हुई है कॉन्ट्रोवर्सीज में। सो बालाजी टेलीफिल्म्स आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सो इनके भी शेयर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो बालाजी टेलीफिल्म्स शेयर प्राइस करके, तो लगभग 76 रुपये के आसपास ये शेयर देखने को मिल रहा है। कंपनी फिलहाल कंसिस्टेंटली नीचे ही जा रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे डोमिनोज पिज़्ज़ा। यस दोस्तों, डोमिनोज पिज़्ज़ा, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस कंपनी में आप लोगों को निवेश करना पड़ेगा जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा में ही निवेश करने के बराबर है। उसी के साथ साथ मैकडोनल्ड्स में अगर आपको निवेश करना है तो आप लोगों को वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, इस कंपनी में निवेश करना पड़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट मैकडोनल्ड्स में हो जाएगा। सो ये कंपनी आप लोगों को डायरेक्टली नाम से नहीं मिलती है मैकडोनल्ड शेयर प्राइस, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आप लोगों को निवेश करोगे तो ये कंपनी में निवेश हो जाएगा। उसके बाद फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, उसी के साथ साथ डॉक्टर फिक्सिट, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो पीडीलाइट इंडस्ट्री करके कंपनी है, तो आपका इन्वेस्टमेंट इन कंपनी के प्रोडक्ट में हो जाएगा। उसी के साथ साथ जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि लग्जरिया गाड़ियाँ है, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ियाँ ये मिलती है, तो इनमें अगर आपको निवेश करना है तो टाटा मोटर का सिंपल शेयर आपको खरीदना पड़ेगा, तो इन्हीं कंपनी के गाड़ियों में आप लोगों का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी हम लोग आने वाले थोड़ा सा आगे, एंड जैसे मैंने कहा लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियो। जियो में निवेश करना है तो बहुत सिंपल है, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना पड़ेगा, जियो का एज सच कोई भी IPO नहीं आया है। तनिष्क में अगर आप लोगों को बाइंग करनी है ज्वेलरी से रिलेटेड तो टाइटन, ये कंपनी आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी जो कि तनिष्क का ब्रांड से ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अभी उसी के साथ साथ लिकर की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली मैं लिकर को प्रमोट नहीं कर रहा बट आपको नॉलेज होना चाहिए, मैकडोवल आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, नंबर 1 सोडा, बैक पाइपर, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो यूनाइटेड स्पिरिट में आप लोगों को निवेश करना पड़ेगा जो कि इन्हीं में निवेश करने के बराबर है। किंगफिशर बियर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। सो यूनाइटेड ब्रेवरीज ये कंपनी है, उसमें आप लोगों ने निवेश यहाँ पे करना पड़ेगा तो इस प्रोडक्ट में आप लोगों का निवेश हो जाएगा। सिगारेट की अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए यहाँ पे ब्रांड्स मैंने ओपन कर दिए, फोर स्क्वेयर है, उसी के साथ साथ अलग अलग ब्रांड्स है, मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन ब्रांड्स की सिगरेट अगर आप कंज्यूम करते हो जो कि गलत बात है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया,
ये कंपनी में आप निवेश करोगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। उसी के साथ साथ सिगरेट्स की बात कर तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड्स है, 555 करके है, बहुत सारे ब्रांड्स है। इनमें अगर आपको निवेश कर रहे हैं तो ITC कंपनी जो कि टोबैको से रिलेटेड ही बात करती है, तो ये कंपनी में निवेश करना मतलब ये सिगरेट के ब्रांड में ही निवेश करने के बराबर है। उसी के साथ साथ और कुछ सिगरेट्स वाली कंपनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वजीर है, चार मीनार करके यहाँ पे सिगरेट्स के ब्रांड है, उनमें अगर आपको निवेश करने तो VST इंडस्ट्री इस कंपनी के शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूजुअली मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पैराशूट ऑयल, सेट वेट, आप लोगों ने ज़रूर सेट वेट जेल जो लगाते हैं, सफोला गोल्ड, सफोला ऑयल, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो मैरिको करके शेयर है, उसमें आप लोगों ने निवेश करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो आखिरी हम लोग यहाँ पे आ चुके, जैसे मैंने कहा था आप लोग देख सकते हो, लुइस फिलिप्स, पीटर इंग्लैंड, पेंटालूंस, वैन हुसैन, एलन सोनी, अगर ये अगर आपको ब्रांड में निवेश करना है, अगर आप लोगों को लगता है डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसके हिस्सेदारी आपको चाहिए, तो आपके लिए जो स्टॉक है आप देख सकते हो यहाँ पे, पेंटालून फैशन एंड रिटेल जिसका नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये कंपनी को आप लोग ज़रूर मॉनिटर कर सकते हो। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज है, CDSL है, NSDL है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मोतीलाल ओसवाल, इतना बड़ा दिग्गज ब्रोकर, उनके भी शेयर्स है मार्केट में, तो वापस कहना चाहता हूँ कुछ ही शेयर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, तो ज़रूर बता देना दोस्तों इनमें से कितनी कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे पता थी एंड ऐसी कौन सी कंपनीज के शेयर्स थे जो कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला कि अरे ऐसी भी प्रोडक्ट्स है एंड उनकी कंपनीज मार्केट में बट मुझे पता नहीं था, तो ज़रूर जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बता देना तो मुझे भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले ये कहना चाहूँगा मेरा और एक चैनल है SMKC करके, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।